नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ एक सोलो अपनर इंडिया से, और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम MPCA माई पेइंग क्रिप्टो एड्स। ओके, तो अगर इस आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आता हो, तो आपको मैं ये वाला लिंक जो है वीडियो के नीचे दूंगा, और आपको यहाँ पर आकर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप मेरे को कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, स्काइप पे, ईमेल आईडी से, व्हाट्सएप पे, या फिर नेम ईमेल आईडी मैसेज लिख के यहाँ पे भी सेंड मैसेज करके आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो इस पेज को कर रहा हूँ अभी बंद मैं, और ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। ये भी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा वीडियो के, और यहाँ पर भी आप आकर मुझे ऐड फ्रेंड करके कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरी यहाँ से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे, जो कि है माई पेइंग क्रिप्टो एड्स पे। अभी आप देख रहे हैं माई पेइंग क्रिप्टो एड्स की मैंने पिछली वीडियो कुछ टाइम पहले बनाई थी, और ये देखिए इस टाइम पे तक यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा पे आउट कर दिया है। BTC में ही यहाँ पे काम होता है, आपको जैसे पता होगा अभी तक, ठीक है, 1000 से ऊपर BTC इसने अभी तक पे आउट कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हर सेकंड पे काम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये साइट चल रही है। लॉगिन करता हूँ आपके सामने, मैं अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये मैंने लॉगिन का बटन पे एंटर किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें सर्व करनी पड़ेगी 20 सेकंड्स की ये ऐड। तो इस 20 सेकंड्स में मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने MPCA में मेरे अंडर काम करना है, तो ज्वाइनिंग का लिंक जो है मैंने आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और आप वहाँ पे ज्वाइन MPCA करके लिखा हुआ है वीडियो के नीचे, आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे ये 20 सेकंड्स ओवर हुए, यहाँ पे हम कंटिन्यू टू MyPayingCryptoAds.com पे क्लिक करेंगे, और सीधा ये हमें साइट के अंदर ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एरर था कुछ चला हुआ थोड़े टाइम पहले, जो कि अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, अभी ठीक हो गया ये सारा, ठीक है। तो अभी इसे कैंसिल करते हैं। तो इसका यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल यहाँ पे है, इस जगह पे आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको अपना अकाउंट दिखा दूँ, मेरा कमीशन बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना है, ठीक है। अर्निंग बैलेंस 0.03 इतना दिखा रहा है, तो 19 रेफरल्स हैं। एडपैक्स अर्निंग 1.73 BTC है, ठीक है, बिटकॉइंस में 193 एडपैक्स हैं। ओके, तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई थी, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो करते करते मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ, ठीक है। आप भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर काम करना है तो आप काम कीजिए। जो लिंक है आपको ज्वाइनिंग का लिंक, वो मैं आपको वीडियो के नीचे दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का लिंक होगा, ठीक है। वीडियो के नीचे आप अगर देखेंगे MyPayingCryptoAds.com, ठीक है, रेफरेंस 3710 साइन अप, ठीक है, ये वीडियो के नीचे दिए हुए, आप यहाँ पे आके जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और एक बात बता दूँ, अगर आप डायरेक्ट साइट के लिंक से ज्वाइन करते हैं MyPayingCryptoAds.com पर जाकर, यहाँ पर जाकर डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्पॉन्सर की हेल्प नहीं मिलेगी और बाकी सारी अपडेट्स नहीं मिलेंगी, और बाद में मुश्किल होगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरे अंडर ज्वाइन करना है तो ये लिंक है, अगर नहीं करना है तो किसी और के अंडर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जब भी ज्वाइन करें तो ये जो रेफरल नंबर है मेरा, ये देखना ना भूलें। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा रिक्वेस्ट विड्रॉल के बटन पे। यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल लिखा हुआ है, उस पे जाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जब पैसा विड्रॉ तो करना है, बट विड्रॉ कहाँ पे करना है, वो आपकी चीज़ सबसे पहले अकाउंट एक्टिविटी पे जाकर आपने एक बार चेक कर लेना है कि प्रोफाइल सेक्शन में जाकर कि आपका यहाँ BTC वॉलेट का एड्रेस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा आपने अभी तक, तो अपने बिटकॉइन का वॉलेट का एड्रेस जो जहाँ पर आपने पैसे सेंड करने हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और ये भी ये बात याद रखिए कि एक वॉलेट का एड्रेस ही यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, जहाँ से आप पैसा ऐड करते हैं MPA में, ठीक है, MyPayingCryptoAds में, वहीं उसी में वापस लेना है, ठीक है। तो वही एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि KYC नो योर क्लाइंट के द्वारा ही आप विड्रॉल ले सकते हैं, राइट। तो अभी इसमें आप देख रहे हैं कि मैं KYC फॉर्म वगैरह कोई फिल नहीं कर रहा हूँ, कोई डिटेल्स फिल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे विड्रॉल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने कुछ घंटे पहले मैंने बात की है एडमिन से MPCA के, तो वो उन्होंने कहा है कि अभी KYC जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो अभी जो भी मेम्बर्स हैं वो अपना विड्रॉल आराम से ले सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जब आपको पता है कि इसके रूल के अकॉर्डिंग अगर अर्निंग बैलेंस से हम अपना फंड 3 times विड्रॉ करते हैं तो हमारा जो है अकाउंट टोटल जीरो हो जाएगा, ओके। तो 2 times अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमारी स्पीड हाफ हो जाएगी, राइट, 2 times से ज़्यादा। जैसे आपने $100 लगाया, आपने वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसके बाद $100 और आपने विड्रॉ किया, जैसे आपने दूसरा $100 विड्रॉ किया, उस टाइम पे आपकी स्पीड हाफ हो जाएगी। सपोज आपको डेली के $10 की अर्निंग आ रही है, तो वो $5 की अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और अगर आप फिर से $100 विड्रॉ करते हैं तीसरे टाइम पे,
तो अर्निंग बैलेंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका अकाउंट ये पूरा का पूरा MPCA जो अकाउंट है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप गलती मत कीजिएगा। मैं अब देखिए, मैंने फंड विड्रॉ करना है तो मेरा कमीशन बैलेंस से आप जितना मर्जी फंड विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 0.58 ये बता रहा है, तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आएगा वो मैं वो सारा का सारा विड्रॉ कर सकता हूँ। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 times 2 times कितना विड्रॉ करो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन अर्निंग बैलेंस पे है। ओके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से विड्रॉ मत कीजिएगा 3 times या 2 times अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, अपना अकाउंट कंटिन्यू रखना चाहेंगे, तो हमेशा अपना कमीशन बैलेंस से अगर आपको कमीशन आ रही है तो यहाँ से आप विड्रॉ कीजिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी वीडियो मेरी पड़ी है वो आप देख सकते हैं ऊपर वाले प्लेलिस्ट में, ओके। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप देखेंगे कि जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप ये वाली वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो नीचे आप आएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मेरे नाम पर। नाम पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको सीधा ये अपना पूरे चैनल पर ले जाएगा। चैनल पर आप यहाँ पर आके प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पे जाके आप माई पेइंग क्रिप्टो एड्स की ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे दो वीडियोज़ हैं अभी, एक साइनअप वगैरह की और एक लिमिटेशंस वगैरह की। ये आप दोनों वीडियो चेक करें, मेरे ये खास रिकमेंडेशन है आपको कि आप ये वीडियो दोनों चेक करें, और उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है मेरे से पूछें, उसके बाद ही यहाँ से विड्रॉ करने का ट्राई करें, ठीक है। कमीशन बैलेंस रूल को समझें और उसके बाद विड्रॉ करें। चलिए, तो अभी कमीशन बैलेंस से मैं विड्रॉ लेता हूँ। कमीशन बैलेंस में 0.5 मैं विड्रॉ ले रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे 0.5, ठीक है। बिटकॉइन वॉलेट से मैं ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया। बैलेंस कौन सा है? अर्निंग बैलेंस से नहीं लेना, मुझे कमीशन बैलेंस से लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अर्निंग बैलेंस मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक टाइम आप कर भी सकते हैं, 2-3 times करेंगे तो आपका अकाउंट, मैंने बता दिया, डिलीट हो सकता है, ठीक है। कोई अर्निंग स्टॉप हो जाएगी सब कुछ। चलिए, टुडे की लिमिट है 5 BTC, वीकली लिमिट है 35 BTC, मिनिमम विड्रॉल है 0.010 BTC, मैक्सिमम विड्रॉल है 5 BTC, ओके। तो हमारा 0.5 है, ओके। तो यहाँ पर सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये पूछ रहा है आपका रिक्वेस्ट विड्रॉल का सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है, नोट यू हैव नॉट सेट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन येट, प्लीज सेट इट फर्स्ट टू प्रोसीड विद द विड्रॉल, क्लिक हियर। अब मैं क्लिक करूँगा, अब मैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर एंटर करूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे चेंज पासवर्ड, पासवर्ड मुझे नहीं चेंज करना, 2-step verification ये भी अभी नहीं, चेंज सिक्योरिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर आएंगे आप, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, आप कुछ भी एंटर कीजिए, जैसे माई फर्स्ट पेट नेम, ठीक है। करंट आंसर इसने बोला कोई नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे न्यू आंसर क्या है आपका, न्यू आंसर मींस आंसर ही है, ठीक है। ये जस्ट आपको शो कर रहा है करंट आंसर, इस तरीके का कुछ शो करेगा, ठीक है। तो न्यू आंसर है मेरा, मैंने एंटर किया, कन्फर्म न्यू आंसर, मैंने फिर से एंटर किया, ठीक है। इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया, राइट। तो ये मेरा आंसर अभी सेट हो गया। अभी मैं फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट विड्रॉल पे जाता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना अमाउंट जो कि कमीशन बैलेंस में शो कर रहा है 0.5। सिलेक्ट करूँगा मैं कमीशन बैलेंस, राइट। फिर से लिमिट दिखा रहा है, सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मेरे से क्वेश्चन पूछा उसने, मैं एंटर करूँगा, मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने सबमिट का बटन पे क्लिक किया, विड्रॉल रिक्वेस्ट एंड सक्सेसफुली ओके हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लेंगे अपना माई पेइंग क्रिप्टो एड्स MPCA से विड्रॉल, राइट। तो अभी देख रहे हैं आप, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.50 जो भी मैंने लिया है बिटकॉइन वॉलेट में, कमीशन बैलेंस, प्रोसेसर, पेमेंट प्रोसेसर आईडी ये है, स्टेटस है पेंडिंग में। तो ये 72 to 48 hours के अंदर मेरे अकाउंट में BTC वॉलेट में मेरा पैसे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप बिटकॉइंस के अंदर यहाँ पे रह के काम करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आप भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं, और बस यही ध्यान रखना है आपने कि कहाँ से ले रहे हैं, अर्निंग बैलेंस से या कमीशन बैलेंस से, बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और आराम से आप काम करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।